मेट्रो आपका एडवेंचर आइलैंड जो कि करीब 650 मीटर दूर है ढाला मेट्रो से। यहाँ वीकडे या वीकेंड के अलग चार्जेज होते हैं, काफ़ी सारी राइड्स भी हैं बट अक्सर का कुछ ख़राब भी रहती हैं। यहाँ पे आके आप सबसे पहले ट्रैम्पलिंग पार्क में मज़े ले सकते हैं जिसका नाम स्काई जंपर है। यहाँ के भी चार्जेज अलग होते हैं, मोस्टली 30 मिनट्स या 60 मिनट्स प्रेफर करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी एनर्जी कंज्यूमिंग होता है और आप आधे घंटे में ही थक जाते हैं। यहाँ बच्चे और बड़े सभी लोग एंजॉय कर सकते हैं। और वाटर पार्क में जाने से पहले यहाँ पे आना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके कपड़े गीले हो जाते हैं तो यहाँ अलाउ नहीं करेंगे, या तो आप एक्स्ट्रा क्लॉथ्स लेके आएँ चेंज करने के लिए। मोस्टली यहाँ पे जितने भी राइड्स हैं वहाँ पे वेट क्लॉथ्स में अलाउड नहीं करते हैं। यहाँ पे जब आप पूरा एंजॉय कर लेते हैं उसके बाद आप वाटर पार्क या फिर राइड्स के मजे लीजिए। यहाँ के वाटर की क्वालिटी काफ़ी गंदी है और यहाँ पे शूज और स्लीपर्स काफ़ी चोरी होते हैं, ध्यान रखिए इस बात का। अगर आप यहाँ पे वीकेंड्स में आते हैं तो आपको काफ़ी लंबी लाइन में खड़े होके घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। जैसे स्प्लैश डाउन राइड है, इस पर हम करीब 1.25 घंटे इंतज़ार करने के बाद से हमारा नंबर आया और सिर्फ कुछ मिनट्स की राइड होती है लेकिन आपको घंटों लाइन में लगना पड़ता है। इस प्लेस टाउन में एक बड़ी राइड है जो आपको सामने दिख रहा होगा और एक छोटी राइड है, और इसमें ऊपर जाने और नीचे आने में काफ़ी एडवेंचर फील होता है और इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगती है। यह बड़ी वाली राइड स्प्लैश डाउन की, यहाँ से आप बाकी पार्क का व्यू ले सकते हैं। और फिर नीचे जाते समय काफी एडवेंचर मिलता है। बाकी राइड्स में भी काफ़ी लंबी लंबी लाइन में लग के इंतज़ार करना पड़ा, इस वजह से हम 4-5 राइड्स का एंजॉय कर सके। तो प्रीफर करें वीकडेज में आने के लिए, वरना वीकेंड्स में आपको आधे से ज़्यादा समय तो लाइनों में खर्च करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।